आज के सेशन में आप सभी चैप्टर थर्ड से संबंधित जो प्रश्न पे चर्चा हुई थी पिछले सेशन में, उससे आगे का अभ्यास प्रश्न जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग बुक लेकर बैठिए बेटा। हाँ यस मैम। चलिए, हम स्क्रीन पे बुक शेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कहाँ क्या करना है। मैम बुक ये है, बुक ए और बी दोनों लेकर बैठना है। मैम कौन सी बुक है? हिंदी की बुक ए और बी दोनों लेकर बैठना है। देखिए ये कौन है, बुक शेयर करते ही जो है इसको लिखना शुरू कर दिए। मैम कोई मैम राइट कर दिया, डिसेबल करे या ना करे जैसा ही बच्चे को नाम आता है, लेकिन हमने जैसे आप लोग बोल तो नहीं रहे, बुक दिख रही है ना? यस मैम। यस मैम। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों डिस्कस हो चुके हैं। यस मैम। बुक ए का क्वेश्चन सारा हो चुका था, पहचान पत्र भी आप लोगों ने पूरा कर लिया है ना, पहचान पत्र भी आप लोगों ने पूरा कर लिया। हम लोग अपना माइक बंद रखेंगे, जिससे पूछा जाएगा उसको बोलना रहेगा। माइक बंद रखिए, पहले से माइक बंद कीजिए, जल्दी से पहले माइक बंद कीजिए। रौनक माइक, जब कहेंगे तब माइक ऑन करना है, नहीं माइक बंद रखो। आप लोगों से रोज एक चीज कहा जाता है, आप लोग सुनते क्यों माइक ऑन कर लेते हो? चलिए बुक बी पेज नंबर 11 ओपन कीजिए सभी लोग। मैम पेज कौन सा है? पेज नंबर 11 पहली पंक्ति का मैम पेज नंबर 11 बोले तो तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? एक बार तो बोल लीजिए। सब लोगों को दिखा? यस मैम। अब आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग चित्र देख रहे हो बेटा, सभी लोग स्क्रीन पे बुक। यस मैम। अपने बुक में भी आपको चित्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है। दिख रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है, कहानी का सही मैम दिख रहा है, चित्रों को सही संख्या से मिलाएं। यहाँ पे आपका चित्र दिखा गया है, यहाँ पे संख्या दी गई है ना? तो सबसे पहले नंबर 1 है, चित्रों को देख के बताइए कि सबसे पहले आपका कौन सा चित्र होना चाहिए। नंबर 1 पे इन चित्रों में से कौन सा चित्र होना चाहिए? मैम नंबर 1 वाला। मकान
मैम मैं बरामदे में बैठी, मैम अखबार पढ़ रही थी। वेरी गुड। यहाँ पे जो माँ बैठी है बरामदे में अखबार पढ़ रही है, पुट्टी माँ करी है ना, तो सबसे पहला क्रम आपका यही है। अब आप देखेंगे पेंसिल लीजिए, पेंसिल लेके इस पेंसिल को उठा के यहाँ से और इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से आपका पहला क्रम हो गया। ठीक है? यस मैम। अब दूसरा क्रम क्या होगा? मैम पुट्टी के भैया पुट्टी से कहते हैं कि अपनी अलमारी, मैम किताबों की अलमारी ठीक कर लो। वेरी गुड। आप क्या करेंगे? अब इस चित्र को इस क्रम में रखेंगे, नंबर दो वाले ऐसे आप मिलाएंगे पेंसिल से। ठीक है? यस मैम। सभी लोग कर रहे हो? नहीं मैम कर रहे हैं। मैम सुरेश तिवारी तुम क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ। अरे माइक बंद करो सुरेश तिवारी, माइक बंद कीजिए पहले अपना, और जो कहा जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। अभी बेटा आपका हो गया? यस मैम। आदर्श, आदर्श प्रताप, मैम हमारा हो गया। आदर्श प्रताप सिंह आपका हुआ? यस मैम। सभी लोग कंप्लीट कीजिए। आयुष आपका हुआ बेटा? यस मैम। हाँ चलिए अगला नंबर थ्री पे कौन सा होना चाहिए? मैम पुट्टी के पापा रसोई घर में खाना पका, मैं पुट्टी घड़ी होकर देख रही हूँ। ये आपका नंबर थ्री होगा? यस मैम। बहुत अच्छा बेटा। आप सभी लोग पेंसिल से मिलाइए, जैसे हमने मिलाया यहाँ पे ऐसे ही आप लोग पेंसिल से मिलाएंगे। ठीक है मैम? हो गया। और फिर कौन सा होगा? मैम गुड़िया के भैया साइकिल ठीक कर रहे हैं। साइकिल ठीक कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए इसको घुमाएंगे ऐसे। अब आपका यहाँ आपका होगा फोर। ठीक है? यस मैम। आपका फोर यहाँ होगा और अब बचा फाइव। फाइव आपका यहाँ आ जाएगा। यही तो है? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट यहाँ था, सेकंड यहाँ था, थर्ड ये था। सभी लोग किए ना ऐसे? यस मैम। चलिए यस मैम। अब हम इसको हटा रहे हैं, इरेज करके। आप लोग इरेज मत कीजिएगा, आप लोग अपना पेंसिल से किए रहिएगा। ठीक है? हाँ चलिए आगे का पेज हम निकालते हैं, आप लोग भी निकालिए। पेज नंबर क्या होगा आगे का? 20। 20 पेज नंबर ओपन करते
देखिए सबसे पहले आपने यहाँ सी डब्ल्यू डाला है कि नहीं डाला है? आज का डेट डाला है, पेज पर आपके हर पेज पे होना चाहिए आपका सी डब्ल्यू है, क्लास वर्क किया जा रहा है ना, यहाँ पे सी डब्ल्यू डाल के यहाँ डेट डालेंगे, दिनांक जहाँ लिखा है आज का दिनांक क्या है, 5 जुलाई है ना आज? यस मैम। तो आप राइट कीजिए। मैम राइट किए मैम, हमारे में मैम नो है। क्या आप में नो है? मैम यही मैम मैच करनी है। मैच करने वाले हैं आप में? नो मैम। नहीं है आपकी? मैम बुक भी है। ओ यस। और क्या पढ़ा रहे हैं मैम? हमारे मैम नो है। बुक बी में होगा, देखिए पेज नंबर 10 7 है, हो सकता है आपकी पुरानी हो, पुरानी बुक में पेज नहीं था। आपकी बुक पुरानी है बेटा? मैम क्या बुक में पेज, जिसके बुक में पेज नहीं है? सब लोग अपना माइक बंद करो, फिर सब लोग माइक ऑन कर लिए, हम कहेंगे बात करने के बाद माइक बंद कर दिया करो। सबका पेज कंप्लीट हुआ कि नहीं पहले बताइए। मैम कंप्लीट हो गया। और कौन कह रहा था मेरा नहीं कंप्लीट है, मेरे में नहीं है? नाम बताए अपना। तो मैम मेरा कंप्लीट हो गया। मैम आदर्श यादव। आदर्श यादव अजानीपुर? यस मैम। बेटा आपने पेज नहीं है? नो मैम। आप पुराने बुक लिए थे? होगा पेज नंबर 11 देखिए, बुक बी यहाँ है तो पेज नंबर 11 पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए पेज नंबर 11 है ना, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए बुक बी में। देखिए मिला कि नो नहीं है, तो आप अपने पेज नंबर 11 का फोटो भेज दीजिएगा तो व्हाट्सएप पे। यस मैम। मैम हाँ मैम, हमारी मैम आयुष की बुक है। आयुष की बुक है मैम? पुरानी बुक वही नहीं बता रहे हो पुरानी, हमने पहले ही कहा कि आपकी पुरानी बुक होगी, तो आपने नहीं बताया कि हाँ मेरी पुरानी बुक है। पुरानी बुक में पेज नहीं है मैम, फर्स्ट की नहीं है। पुरानी बुक में पेज नहीं थी, हम भी तो ही बात कही है, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहती, नहीं है तो आप छोड़िए। वाला पेज है कि नहीं है? नो मैम। छुट्टी का दिन पेज होगा आपका, पेज नंबर 14 पे होगा, यहाँ पेज नंबर 12 है आपका, 14 होगा। पुरानी बुक मेरे पास, पुरानी बुक ही लेकर हम बैठे हैं, मुझे पता है कौन सी बुक यहाँ है क्या नहीं है। यस मैम, मैम ये वाला है मैम, ये वाला। हाँ तो चलिए सबके बुक में ये वाला होगा, सबके बुक में पेज नंबर 12 ओपन कीजिए। मैम ओपन के चलिए आकर्ष आप पढ़ के बताइए यहाँ क्या राइट है। अगर आपको अपनी छुट्टी का एक दिन अपने मन पसंद वक्त के साथ बिताने का मौका मिले तो आप वह दिन कैसा रहा, किस तरह और किसके साथ बिताना
चाहेंगे। चलिए बेटा सभी लोगों ने सुना हाँ हाँ। अगर आपको अपनी छुट्टी का एक दिन अपने मनपसंद व्यक्ति अपने मनपसंद व्यक्ति आपका जो भी मनपसंद व्यक्ति हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके बहन हो, या फिर कोई आपका मित्र हो, है ना, उसके साथ बिताने का मौका मिले, यानी एक दिन आपको छुट्टी दे दिया जाए, वो आपका जो मनपसंद व्यक्ति हो वो आपके पास हो, तो आप वह दिन किस तरह और किसके साथ बिताना चाहेंगे आपको बताना है। सभी लोग सुन रहे हो ना? आदर प्रताप सिंह बेटा आप कैसे बैठे हो, आपका फेस नहीं दिख रहा है, ये सामने पीछे से लाइट आ रही है ना, इसमें और भी दिख रहा है, सामने से फोकस आ रहा है आपके, या पीछे देखिए, हाँ बंद कीजिए तो विंडो बंद कीजिए, हाँ दो, हाँ अब सही है। अब आप बताइए बेटा आदर प्रताप सिंह आपका मनपसंद व्यक्ति कौन है? फादर मदर। अच्छा मम्मी पापा है आपके। अगर आपको एक दिन छुट्टी का मिले मम्मी पापा के साथ बिताने के लिए, तो आप कैसे बिताएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बताइए। मस्ती करेंगे, मैम घूमने जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बताते बेटा, आप कहोगे हमें हाँ हमें एक दिन छुट्टी, हमें अपनी छुट्टी का एक दिन बिताने का मौका मिले तो हम अपने मम्मी पापा के साथ बिताना चाहेंगे, हम उनके साथ घूमेंगे, खेलेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, या फिर हम उनके साथ पिकनिक मनाने जाएंगे, वहां पे मौज मस्ती करेंगे, यानी इस तरह से आप बताइए, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, हमने हिंट दे दिया है, अब आप बताइए। सही बेटा कौन कितने बजे हैं? आदर्श प्रताप सिंह बताइए बेटा, आगे आइए थोड़ा आगे बैठिए, अगर हमें मैम अपनी थोड़ा आगे आइए तो अगर हमें अपनी मम्मी मैम अगर हमें अपने माता पिता के साथ छुट्टी का दिन जाने का मौका मिले तो हम घूमने जाएंगे मैम, हम खेलेंगे, मस्ती करेंगे। बता दें यहाँ पे पूरा पेज है, पूरे पेज में आपको फिल करना है, बहुत सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। स्टार्ट आप करोगे, स्टार्ट में आपको लिखना होगा अगर हमें अपनी पहले लिखिए राइट को, ना आप सभी लोग लिखिए तो राइट, सभी लोग लिखिए, सुन रहे हो मेरी बात? यस मैम। सभी लिखिए अगर हमें, स्टार्ट कीजिए तो बताते हैं कैसे। अगर हमें मैम आज का होमवर्क है, हाँ होमवर्क है आज का, यहाँ पे आप यस डब्ल्यू डालिए, आपको इसे होमवर्क करना है, हम केवल एक लाइन लिखवा दे रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, बाकी आपको करना रहेगा। अगर हमें अगर हमें अपनी छुट्टी का
अगर हमें अपने छुट्टी का एक दिन मैम हो गया अपने देवेश आप लाइक नहीं कर रहे बैठे मेरी हम अगर हमें अपनी दिव्यांशु देवेश आप लोग क्यों नहीं लाइक कर रहे अगर हमें अपनी छुट्टी का एक दिन छुट्टी का एक दिन अपने नाम लिखें मन पसंद मैम लिखें सबको लिखें अपने मन पसंद अपने मन पसंद व्यक्ति के साथ व्यक्ति के साथ आवाज नहीं होनी चाहिए किसी का व्यक्ति के साथ बिताने का बिताने का मौका मिले तो सभी लोग राइट कर रहे हो ना सबका वीडियो बंद क्यों है यस मैम सब अपना वीडियो ऑन रखिए कुछ लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं Yes, ma'am. मौका मिले तो हम आगे लिखिए हम लिखे हम वह दिन सभी लोग इतना राइट किए यस मैम आकाश आप राइट किए बेटा देवेश देवेश राइट किए अब देखिए इतना हमने लिखा दिया कि हम वह दिन अब आपको डिसाइड करना है कि वह दिन मम्मी पापा के साथ बिताना चाहेंगे भैया के साथ बिताना चाहेंगे अपनी दीदी के साथ बिताना चाहेंगे या अपने मित्र के साथ बिताना चाहेंगे इसके आगे की लाइन आपको कंप्लीट करना है क्योंकि आपका मनपसंद व्यक्ति अलग अलग होगा ना तो आप उसको लिखेंगे जिसका भी हो कि हमने वहां तक करवा दिया उसके आगे आप लिखेंगे बिताना चाहेंगे उसके आगे आपको क्या क्या करना है कहाँ जाना है क्या करना है ये सारी चीजें आप लिखेंगे आपके मन में क्या है उसको हम नहीं लिखेंगे हमने एक बार बता दिया कि हाँ हम जाना चाहेंगे मौज मस्ती करना चाहेंगे घूमना जाना चाहेंगे तब जो है मामा के घर जाना चाहेंगे वहां पे घूमेंगे टहलेंगे या फिर चिड़ियाघर देखने जाना चाहेंगे जो भी कुछ आपके मन में हो जिसके साथ बिताना चाहें उसको आप राइट करेंगे ठीक है चलिए समझ में आया आप लोगों को यस मैम मैम यस मैम और मैम रिपीट आज से मैम
चलिए आगे देखिए। अब इसके आगे सब लोग को आज का होमवर्क है ये कंप्लीट करना रहेगा। समझ में आ रहा है सबके? अरे मिश्रा क्या कर रहे हो मोबाइल पर टच कर रहे हो? यही आप लोग मोबाइल टच करते हो इसलिए आवाज आने लगी। माइक बंद करके रखो। चलिए आगे का पेज देखिए। आप इसको कंप्लीट करेंगे ना होम पे सर इन धोने के बाद? यस यस। सुंदर सुंदर आयती में आपको लिखना है ठीक है। अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ बताना होगा तो आप लिखेंगे, हम अपने मित्र अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे उसके साथ बिताना चाहेंगे, बाहर घूमने जाएंगे कहानी है ना। पहले अमित अमित भूल जाते हो, भूल जाते हो माइक ऑन किए हो आप। हाँ किससे बातें कर रहे थे? माइक ऑन करते आपको इतना ध्यान देना है बेटा कि अगर माइक ऑन है अगल बगल से कोई आए तो उसको चुप रहने को कहो, आप उसे बातें मत करने दो। यहाँ सारा सुनाई देता कोई किसी को आने ही मत दो अपने रूम में। चलिए अब हम अगला पेज ओपन करते हैं। चलिए सबके सबके बुक में पेज होगा, सबके देखिए सबके पेज में है ना। पेज नंबर 13 यस मैम ओपन कीजिए सभी लोग। आए आयुष आप इसको रीड करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारा है बेटा सब में सब लोग देखे ध्यान से देखिए इसको आपको रीड करना है ना। आयुष को कहा था रीड करने को सुन नहीं रहेंगे। चलिए आर्यन आप रीड कीजिए। तो घड़ी की छुट्टी लिखा हुआ है ना? हाँ आर्यन। चलिए आकाश आप रीड कीजिए। आकाश यस मैम। पापा पापा मम्मी से कह रहे हैं आज तो बहुत देर हो गई है तो दोनों को समझ नहीं आया आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने
दादाजी से पूछा क्या हुआ। पूछा दादाजी हंसकर बोले, सोनू आज घड़ी की छुट्टी हो गई। सोनू ने आश्चर्य से पूछा, घड़ी की छुट्टी कैसे? दादाजी ने फिर हंसते हुए कहा, आज घड़ी की बुझाई पर चली गई है। कोई भी अपना काम समय से नहीं कर पाया, इसलिए सब परेशान है। अब क्या होगा दादाजी, सोनू ने पूछा। दादाजी बोले, चिंता की कोई बात नहीं है सोनू, घड़ी की दुनिया के को छुट्टी से वापिस बुलाने के लिए हम घड़ी में नया सेल डाल देंगे। सोनू को सारी बात समझ में आ गई और वह खुश हो गई। चलिए बेटा, अब सब लोग को करना क्या है, इस पेज को सब लोग अपने होम पे बढ़िया से रीड कर दो, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगले सेशन में इसके आगे का हम बात आपसे करवाएंगे। पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद जो अगला पेज है उसको हम करवाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको होमवर्क क्या, आज का होमवर्क क्या है, आपको आपका होमवर्क एक कंप्लीट करके भेजना रहेगा। आई बात समझ में, आज का होमवर्क इसको कंप्लीट करके भेजना है, और उसके बाद कल आप क्या करेंगे, yes, पेज को बढ़िया से रीड करेंगे सभी लोग। सभी लोग आज का होमवर्क ये है, एक नंबर आपका जो 12 है यार, अभी आपको कंप्लीट करके भेजना है। आपका पेज फिल होना चाहिए, एक लाइन भले ही छूटे लेकिन बाकी फिल होना चाहिए, ठीक है। और कल का वर्क है, आप इसको खूब बढ़िया से रीडिंग करेंगे, और इसके जो प्रश्न है इन प्रश्नों का क्या उत्तर होगा आप इसको खोज के रखेंगे, लिखेंगे नहीं, अपने दिमाग पे खोज के रखेंगे, अगले सेशन में हम पूछने वाले हैं। सौरभ चाइनी क्या हो रहा, हाँ बस डांट दे तो बस वीडियो बंद कर दी, बहुत पिटाई होगी तुम लोगों की, जितने लोग बदमाशी कर रहे हो ना उनके घर सर जाएंगे, पिटाई करेंगे, नहीं तो ठीक से क्लास लिया कीजिए। समझ में आया सबको? अपने होमवर्क को कंप्लीट क्या हो रहा है रौनक क्या कर रहे हो, माइक ऑन करके क्या कर रही हो? बंद फेस के कर ऑन कर लेते हैं, बहुत दुष्ट है, बंद करते हैं यहाँ से, हम वहां से ऑन कर लेते हैं। हाँ चलिए बेटा, अगले बार से अगर रौनक आप ऐसी हरकत करोगे ना, आपको क्लास से हम बाहर करेंगे। आपका माइक हम बंद करते आप ऑन कर लेते हो, प्रश्न पूछेंगे तो उसका आंसर नहीं दोगे। सबके समझ में आ गया बेटा, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है,
नोमैन। चलिए बेटा गुड बाय एवरीवन। नोमैन मैम गुड बाय। गुड बाय।